हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है और एक्सेल में क्या खास है आइए दिखाता हूँ। देखिए एक्सेल में कभी कभी ये काम करते करते ना हम बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई एक सीक्वेंस रिपीट कराना है और उसी के सीक्वेंस में आगे की चीजें प्रिंट करानी है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया क्लास और यहाँ लिख दिया वन और फिर यहाँ पे क्लास टू, तो ये फिर क्लास टू लिखिए, फिर क्लास थ्री लिखिए। आप एक बार कई बार आप ये भी करते हैं कि इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से ड्रैग करना चालू करते हैं तो फिर ये इस तरीके से ड्रैग करते हैं, तो इन चीजों से काफी हम बोर हो जाते हैं ये करते करते, तो कुछ नया करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इज इक्वल टू लगाना है, डॉटेड कॉमा लिखना है क्लास, और क्लास लिख करके डॉटेड कॉमा को क्लोज करिएगा, एंड लगाइएगा और लगाइएगा सीक्वेंस का फॉर्मूला। तो ये हो गया सीक्वेंस। और अब हमको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमें 50 जो है ऐसे सपोज कीजिए कि 12 तक ये चाहिए, तो ये 12 लिख करके एंटर करिए, ये 12 तक अपने आप आ जाता है, आपको ट्रैक कराने की जरूरत ही नहीं। तो ये एक और तरीका हो सकता है जिससे आप इस तरीके के सीरियल नंबर अगर आपको इंसर्ट कराना हो तो करा सकते हैं, ये आसान है, ठीक है।